Hello student, I hope your preparation is going very well and you are doing very fine. In this video, I will be discussing about Rajasthan NTSC Stage 1 Chemistry Solved Question Papers of 2020-21. Now, जो पहला question है वो देखते हैं. Number of molecules present in 0.25 moles of water are. देखिए 1 mole में number of molecules कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻²³. Now, 0.25 mole में कितने होंगे? 0.25 means 1/4, 1/4 into 6.022 × 10⁻²³. तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1.5055 × 10⁻²³. सो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज, तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैस की होगी. डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात की जा रही है, उसके बाद लिक्विड की और फिर सॉलिड की. हेंस ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. सब्सटेंस हैविंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज, तो 9 ग्राम वाटर में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होते हैं? 9 ग्राम वाटर मीन्स 9/18 गिवन मास बाई मोलर मास, यानी कि 0.5 मोल्स. तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में हम देखते हैं 12/24 यानी कि 1/2 मोल्स है. 17 ग्राम अमोनिया में 17/17 यानी कि 1 मोल है. 12 ग्राम कार्बन में 12/12 यानी कि 1 है. 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 11/44 यानी कि 1/4 है. तो बेस्ट आपका ऑप्शन 1 है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं. एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिंबल UNT, UNT स्टैंड्स फॉर अननिल्ड ट्रिटियम. तो अन मीन्स 1, nil means 0, tritium means 3. ये देखिए ये नेमिंग हम लोग पढ़ाते हैं अपने प्लस कोर्स में बच्चों को अनअकैडमी पर, तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी क्लासेस के लिए. सो थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन. एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 99 पिकोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ इट्स टू एटम्स इन मॉलिक्यूल विल बी. देखिए अब मॉलिक्यूल की बात करें तो ये 99 एक का हो गया और दूसरे का एक और 99 हो गया, तो दोनों एड अप होकर के 198 पिकोमीटर बना देंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एम इज MCl2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एम विल बी. अब देखिए एम के ऊपर कितने का चार्ज है? +2 का, इसे हमें पता चल गया. और ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस होता है, +2 - 2, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेवेंथ क्वेश्चन. सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ प्योर नेप्थलीन फ्रॉम सैंडी नेप्थलीन इज, तो फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन. तो इसमें जो बेस्ट होगा नेप्थलीन, क्योंकि सब्लाइम हो सकती है, तो सब्लिमेशन इज द बेस्ट मेथड. नेक्स्ट, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन H+1 × 10⁻⁴ मोल विल बी. तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log of H+, तो -log of H+ हो गया, यानी कि हम इसमें बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, -log of 10⁻⁴. 4 आपका करेक्ट आंसर, हेंस ऑप्शन सेकंड सही है. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इज, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपस में सिर्फ एक H+ से डिफर करते हैं. तो देखिए HCO3- और CO32-, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, क्योंकि सिर्फ इनमें एक H+ का डिफरेंस है. यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. गैस यूज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ प्योर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, तो ये यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है और इससे प्रेसिपिटेशन करवाते हैं, तो दैट कैन डन बाई गैस HCl. ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है कि HCl गैस नहीं है, बट प्योर फॉर्म में HCl इज गैस, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इलेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू अबव रिएक्शन इज, जिंक इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर. फॉल्स स्टेटमेंट, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर. करेक्ट स्टेटमेंट, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड जिंक इज इक्वल. फॉल्स स्टेटमेंट, जिंक इज डिस्प्लेस्ड बाई कॉपर. फॉल्स स्टेटमेंट, कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है जिंक. सो ऑप्शन टू इज करेक्ट. नेक्स्ट, यूजफुल सब्सटेंस प्रिपेयर इन
फ्रीजिंग मिक्सचर इज, तो फ्रीजिंग मिक्सचर में हमें एक रिएजेंट ग्रेड NaCl यूज किया जाता है, सो दैट आपका वो ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से, सॉरी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से लो टेम्परेचर लेबोरेटरी में अटेन किया जा सके. नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज. तो करेक्ट ऑर्डर की बात करते हैं हम इसमें, तो गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव, देन कॉपर, देन हाइड्रोजन, देन पोटेशियम. तो आपका ऑप्शन टू करेक्ट. थैंक यू वेरी मच. ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अमॉन्ग योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. सो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं JEE NEET फाउंडेशन फॉर NTSC, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन एन अकेडमी. और यहाँ पर इट इज़ एन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. यहाँ पर आप अपनी क्लास 8 से क्लास 9, 10th तक की सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी. यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर NCERT, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन. एंड हेयर ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड एंड गेट ऑल इंडिया रैंक. ओके, सो दिस इज वेरी इसेंशियल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स. देखिए इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे, दैट इज लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, एंड देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, एंड लाइव टेस्ट सीरीज विल बी देयर, एंड इवन स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट विल बी प्रोवाइडेड टू यू. सो और अगर इसमें आपको देखे जाए तो और क्या क्या बेनिफिट है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स. हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट्स प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस. ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं. टीचर्स के अलावा मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू. आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे. ठीक है, तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं. प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेज है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है. ओके, सो आइकॉनिक मीन्स द मेन फीचर ऑफ आइकॉनिक इज अबाउट द पर्सनल कोचिंग. ओके, स्टडी प्लानर है. सो That's why we can say that instead of plus, you should go for iconic subscription. So, बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 months का, suppose you are in 9th standard, okay? And in 9th standard, you want to enroll for JEE NEET Foundation for 4 years, okay? तो यहाँ पर देखिए आपको plus और iconic के दोनों के benefits आपको दिखाए हुए, rates आपको दिखाए हुए. plus के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है. ठीक है, नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल. अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन फॉर थ्री इयर्स कोर्स, सो दे विल बी गेटिंग 36 मंथ्स पैकेज फॉर प्लस. दिस इज द रेट, दिस इज फॉर आइकॉनिक 24 मंथ्स. एंड दोज हु आर इन क्लास 9th, दे कैन टेक 24 मंथ ऑल्सो इफ दे आर प्लानिंग टू टेक NTSC, सॉरी नीट एंड JEE courses after completing their 10th, then they can join enroll for 24 month courses. And 12 month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th. Okay, so this is the main package we have. Okay, so now don't pay this price. Okay. Now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription and if you use my referral code, that is chemistry files, okay, in that case you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting. Okay. So for 10% discount, you can use the code chemistry files. Okay. So, and if there is any query, you can call me on this number. So
लिंक नंबर इज अगेन गिवन इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन. एनरोल, सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो.